क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम कविता है। कहाँ से हो? सिंगाना से हूँ मैं। क्या प्रॉब्लम थी? मेरे हाथ में और गर्दन में प्रॉब्लम थी, नस दबी हुई थी। और इसके अलावा? और इसके अलावा हाथ में पेन रहता था पूरा, कमर में भी दर्द रहता था। काफ़ी जगह इलाज लिया, जयपुर में 2-3 डॉक्टरों से इलाज लिया था, SMS के डॉक्टर थे उनसे इलाज लिया, काफ़ी कुछ फर्क नहीं पड़ा उनसे। फिर हमारे सिंगाना में डॉक्टर मिले हमें, सुनील भटनागर, वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उन्होंने हमें राय दी। डॉक्टर अशोक शर्मा के बारे में बताया, हमने यहाँ आकर उनसे मिले, हम यहाँ आकर फिर उनसे थेरेपी ली। आपने कोई रिपोर्ट्स करवाई थी वहाँ? हाँ जी, MRI करवाई थी। ये प्रॉब्लम आपको कितने साल से थी? वैसे तो ये 10 साल से प्रॉब्लम चल रही थी, बीच में थोड़ी ट्रीटमेंट लिया, उससे थोड़ा आराम मिल गया, अब फिर 5-6 महीने से दोबारा होने लगा। तो डॉक्टरों से दवा ली, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऑपरेशन के लिए बोले डॉक्टर। आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? सुनील भटनागर डॉक्टर है हमारे सिंगाना में, उनसे हमें इनका एड्रेस मिला और उन्होंने ही हमें ये राय दी कि आप वहाँ जाओ। डॉक्टर मनोज शर्मा से आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी ली है आपने, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। कितने परसेंट आराम लगा आपको? अभी 70-80% फायदा है मेरे को। डॉक्टर मनोज शर्मा के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर मनोज शर्मा मेरे लिए भगवान जैसे हैं, उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है, ऑपरेशन से बचा लिया, अभी बहुत अच्छे हैं डॉक्टर मनोज शर्मा। आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी के बारे में क्या संदेश देना चाहते हो आप? इससे बहुत अच्छा इलाज हुआ है मेरा और बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और लोगों से कुछ कहना चाहते हो आप? लोगों से मैं यही करना चाहूँगी कि जो भी अपनी बीमारी से परेशान है वो डॉक्टर मनोज शर्मा से आके मिले, एक बार आप उनसे आकर जरूर मिलें, क्या हो पता आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए, आप भी इस परेशानी से उभर सको, यही करना चाहूँगी बस मैं। ओके, थैंक यू।